सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी सैलजा ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। कुमारी सैलजा ने लघु सचिवालय में जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में नॉमिनेशन फाइल किया और इस दौरान उनके साथ पूर्व मंत्री किरण चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रणदीप सिंह सुरजेवाला, पूर्व डेप्यूटी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी मौजूद रहीं। इस मौके पर कुमारी सैलजा ने जहां भाजपा को आड़े हाथों लिया, वहीं साथ ही कहा कि सिरसा उनका पैतृक क्षेत्र रहा है और यहां के लोगों से पुराना नाता भी है। उन्होंने कहा कि सिरसा ही नहीं बल्कि प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन की लहर चल रही है और जनता में भी गठबंधन उम्मीदवारों को लेकर भारी उत्साह है। हमने नामांकन किरण चौधरी जी, चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, सुरजेवाला जी, चंद्रमोहन जी और मैं, हम लोगों ने जाकर नामांकन भरा है और हमें विश्वास है कि जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने हम पर दिया है, सिरसा के लोग, सिरसा पार्लियामेंट क्षेत्र के लोग वो विश्वास कांग्रेस पार्टी में भी रखेंगे और मुझ पर भी रखेंगे और पूरा आशीर्वाद और प्रेम पहले की तरह से रखेंगे। हमारा नाता, मैंने हमेशा कहा, तो ये एक दिन का नहीं रहा, पूरा एरिया, पूरा क्षेत्र हमारा पुराना पैतृक क्षेत्र रहा है और लोगों का प्यार हमेशा मिलता रहा है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की जीत होगी। ठीक है, क्या माहौल देख रहे हैं मैडम? पूरे माहौल हमने 9 के 9 हलकों में एक दौरा कर लिया है और लोगों का उत्साह, देखो दोनों तरह की बात होती हैं, जनता का उत्साह भी और कार्यकर्ता का उत्साह। जनता में उत्साह होता है तो कार्यकर्ता में उत्साह आता है और कार्यकर्ता जब तत्पर होता है, उत्साहित होता है, तो जनता में भी वो बात फैलती है और हमारी विचारधारा और कांग्रेस का संघर्ष आम नागरिक के लिए, हर वर्ग के लिए, ये सारी बातें इकट्ठा होकर हम इस बात पर आते हैं कि माहौल बहुत बढ़िया है कांग्रेस पार्टी का और दिन प्रतिदिन और ज्यादा अच्छा। कुमारी सैलजा के नामांकन दाखिल करने में भी कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर नजर आई। सैलजा के साथ हुड्डा गुट का कोई भी नेता नहीं दिखा, जबकि एसआर के ग्रुप के साथ आज पहली बार चौधरी बीरेंद्र सिंह खुलकर खड़े हुए दिखाई दिए। बता दें कि भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए बीरेंद्र सिंह अपने बेटे ब्रजेंद्र सिंह के लिए हिसार लोकसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन हुड्डा गुट के दबाव में ब्रजेंद्र की टिकट काट दी गई, जिसके बाद माना जा रहा है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हुड्डा गुट के खिलाफ एसआरके के पक्ष में खुलकर खड़े होंगे। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।